हेलो माय डियर चिल्ड्रन एंड ऑल द पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने ओलंपियाड एग्जाम क्लास फर्स्ट मैथ के टॉपिक नंबर सेंस से अप टू 100 काउंटिंग नंबर से रिलेटेड वर्कशीट कैसे बनाए जाते हैं यह देखी थी। आज हम नंबर सेंस के अंतर्गत ही टॉपिक आफ्टर, बिटवीन और बिफोर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे रिलेटेड वर्कशीट और ओलंपियाड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं यह देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आफ्टर नंबर को समझेंगे। चलिए बच्चे, आप ये मानकर चलिए आप लोग प्रेयर के लिए स्कूल में खड़े हैं और एक के बाद एक सभी बच्चे लाइन से लगे हुए हैं। 0 से 10 तक काउंटिंग हम यहाँ पर लिख चुके हैं। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे आफ्टर नंबर। सबसे पहले आफ्टर नंबर का अर्थ होता है बाद में, ये आपको याद रखना है। आफ्टर नंबर का अर्थ होता है बाद में। अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं, कोई भी नंबर के आगे जब डैश लिखा रहता है तो ये चीज़ भी हमें याद रखना है, आफ्टर नंबर पूछा जा रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर कहाँ है, ये है 7 नंबर। 7 नंबर के बाद में कौन सा नंबर आ रहा है, 8। तो हमारा 8 पर कौन सा है बच्चा खड़ा है, राम। इस प्रकार अगर आप इमेजिन करेंगे फ्रेंड्स के नाम को लिखकर तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। 7 के बाद 8 नंबर आता है तो यहाँ पर हम 8 नंबर लेंगे। उसी प्रकार 8 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, 9। 9 पर कौन खड़ी है, छाया। तो इस प्रकार हम इमेजिन करेंगे और हम 8 के बाद 9 नंबर लिख सकते हैं। पार्टिकुलर किसी भी व्यक्ति को इमेजिन करके अगर हम कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो बच्चा कभी भी नहीं भूलता है। उसी प्रकार हम नेक्स्ट डबल डिजिट एग्जाम्पल देखेंगे। टू 0 20 डबल डिजिट नंबर में हमारा पहला डिजिट रिपीट होता है, सेम टू सेम, 2 की जगह पर 2 हो गया और 0 के बाद हमारा 1 आता है तो 0 के बाद हम 1 लिखेंगे। उसी प्रकार 2 8 28 में 2 रिपीट हो गया और 8 के बाद यानी आफ्टर नंबर 8 के बाद या आफ्टर नंबर 9 आ रहा है तो 2 9 29। इसी प्रकार 3 2 में 3 रिपीट हो गया और 2 के बाद हमारा 3 नंबर आ रहा है तो 3 23। इस प्रकार डबल डिजिट और सिंगल डिजिट बच्चों को इस प्रकार समझाएंगे तो बच्चा कभी भी नहीं भूलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। इसी में अगर हमारा डबल डिजिट नंबर लास्ट में 9 आता है तो इसके कॉन्सेप्ट थोड़े से चेंज हो जाते हैं। इसमें भी हमारा फर्स्ट नंबर रिपीट नहीं होगा, इसके आगे वाला नंबर हम लिखते हैं। 2 के आगे हमारा 3 होता है तो 3 और 9 की जगह पर हम 0 लिखते हैं। उसी प्रकार 3 9 39 में 3 के आगे हमारा 4 होता है, 3 4 और 9 की जगह पर हम 0 ले लेंगे। उसी प्रकार 4 के बाद 5 और 9 की जगह पर 0। 5 के बाद हमारा 6 नंबर आता है और 9 के प्लेस पर हम इसको 0 कर देंगे। 6 के बाद 7 और 9 के प्लेस पर 0। इस प्रकार ये हमारा आफ्टर नंबर कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम आफ्टर नंबर के बाद बिटवीन नंबर को देखेंगे, क्योंकि बिटवीन नंबर में ही कॉन्सेप्ट जो है आफ्टर नंबर की तरह ही होता है, इसीलिए पहले हम आफ्टर के बाद बिटवीन नंबर को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 के बाद 5 आता है तो बच्चा यहाँ पर 5 लिख सकता है, 4 5 6। 7 आफ्टर 8 9, 7 8 9। नेक्स्ट इसी प्रकार 32 33 34, 38 39 40। नेक्स्ट हमारा 4 9 49, 5 0 50, 5 1 51। इस प्रकार बिटवीन नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम बिफोर नंबर को समझेंगे। बिफोर नंबर के लिए भी इसी प्रकार आप चाहें तो 0 से लेकर 10 तक नंबर लिखने के बाद उसके फ्रेंड्स के नाम लिख देंगे तो बच्चा विजुअली इमेजिन करके उसको अच्छे से समझ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले हमें बच्चों को बताना होगा बिफोर नंबर। सबसे पहले तो बच्चों को रीड करना प्रॉपरली आना चाहिए और इसका अर्थ समझ में आना चाहिए। बिफोर का मतलब होता है पहले,
अगर किसी नंबर के पहले कोई डैश दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है बिफोर नंबर। ये भी बच्चों को हमें समझाना पड़ेगा। अब देखिए, फाइव, फाइव के पहले जो है हमारा फोर आता है, तो ये हो गया बिफोर नंबर। सेवन, सेवन के पहले सिक्स। सिक्सटी एट, इसमें भी हमारा फर्स्ट डिजिट जो है सेम रहेगा, और एट के ऊपर जो नंबर आता है एट के पहले, वो हमारा सेवन, सिक्सटी सेवन। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे 72, सेवन नंबर फर्स्ट डिजिट सेम हो जाएगा और टू उसके पहले जो नंबर हमारा आता है यानी बिफोर नंबर, वो हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा। तो टू के पहले क्या आता है, वन, तो ये हो गया 71। उसी प्रकार बिफोर नंबर में हम कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल के द्वारा समझेंगे जो एक्सेप्शन केस होते हैं, जैसे फोर। अब इसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जो एक्सेप्शन केस हैं। 4040, जहाँ पर लास्ट में नंबर एंड जो है हमारा जीरो से ख़त्म हो, वहाँ पर बिफोर नंबर में फर्स्ट डिजिट रिपीट नहीं होता है, उसके बिफोर नंबर को हम लेते हैं। जैसे फोर, फोर के पहले या बिफोर नंबर जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे और जीरो की जगह पर हम नाइन कर देंगे। ये हमारा हो गया 3939, 4040। उसी प्रकार 2020 में टू के बिफोर जो नंबर है या पहले जो नंबर है वो हम लिखेंगे और जीरो की जगह पर हम यहाँ पर नाइन लिखेंगे। उसी प्रकार हम 70 में सेवन के ऊपर जो नंबर था, सॉरी सेवन के पहले जो नंबर था, हम इस प्रकार समझाएंगे बिफोर अर्थात पहले, सेवन के पहले जो नंबर था सिक्स और जीरो की जगह पर हम नाइन ले लेंगे। इस प्रकार आई थिंक हम समझते हैं कि आपने आफ्टर, बिफोर और बिटवीन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लिया है। अब इससे रिलेटेड हम वर्कशीट देखेंगे। तो अब हम आफ्टर, बिफोर और बिटवीन नंबर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद उससे संबंधित वर्कशीट देखेंगे, ओलंपियाड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही बच्चों को हम इस बात के लिए भी तैयार कराएंगे कि बच्चे खुद क्वेश्चन को रीड कर पाए। राइट द नंबर डैट कम बिफोर। बिफोर इसका मतलब हम पहले ही समझा चुके हैं, बिफोर का मतलब होता है पहले, एट सेवन, एट के पहले सेवन आता है, फोर, फोर के पहले थ्री, ट्वेल्व, ट्वेल्व के पहले वन वन, एलेवन, फोर्टी नाइन के पहले फोर एट, फोर्टी एट, सिक्स, सिक्स के पहले फाइव और फाइव टू फिफ्टी टू, फिफ्टी टू के पहले या बिफोर फाइव वन, फिफ्टी वन। इस प्रकार हम पूरे एक पेज में वर्कशीट इस तरह के क्वेश्चन की बनाकर हम बच्चों से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को क्वेश्चन रीड करवाना सिखाएंगे। राइट द नंबर डैट कम आफ्टर, ए एफ टी ई आर, आफ्टर मीन्स बाद में। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आफ्टर नंबर कैसे निकालना, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह के सीट आप पूरे पेज में बनाकर बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सेवन, एट, एट नाइन, फिफ्टी नाइन, सिक्स ज़ीरो, सिक्सटी। जैसा कि हमने रूल्स के अकॉर्डिंग पहले भी बता चुके हैं आपको, फर्स्ट डिजिट का नंबर जो है हम आगे ले लेंगे, फाइव के बाद सिक्स आता है और नाइन की जगह पर जीरो हो जाएगा। फोर टू फोर्टी टू, फोर थ्री फोर्टी थ्री, थ्री फाइव थर्टी फाइव, थ्री सिक्स थर्टी सिक्स, सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे। बी ई एफ ओ आर ई बिफोर एंड ए एफ टी ई आर आफ्टर नंबर, इस तरह के क्वेश्चन ओलंपियाड में लिखकर पूछे जाते हैं। जैसे बीच में एक नंबर दिया गया है और आगे पीछे बिफोर और आफ्टर नंबर बच्चों को फिलअप करना है, तो इस तरह जो है हम कुछ क्वेश्चन के एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं और आप पूरे कॉपी में क्वेश्चन लिख कर उसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो 5050, 4949, 5151, 6868, 6767, 6969, 69, इस तरह बच्चा फिलअप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, राइट बिटवीन नंबर, यानी कि बिटवीन नंबर हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4141, 4242,
43, 43. नेक्स्ट इसी प्रकार बी क्वेश्चन नंबर में 7 to 72, 7 3 73, 7 4 74. इस तरह हमें ध्यान रखना है कि बच्चा अगर आफ्टर, बिफोर, बिटवीन नंबर्स के अर्थ को और कॉन्सेप्ट को समझ गया है और क्वेश्चन को खुद रीड कर पा रहा है तो वो प्रॉपरली अच्छे से कर लेगा। इसी तरह क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। इस प्रकार हमने आफ्टर, बिटवीन और बिफोर नंबर को समझा है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, इससे आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और तब तक के लिए बाय बाय।